वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण अब लोग बीमार होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को प्रदेश में लू के मरीजों की संख्या 2809 से बढ़कर 3622 हो गई है, जबकि गर्मी के कारण एक शख्स की मौत भी हो गई है। वहीं तापमान की बात करें तो सोमवार को फलौदी राज्य में सबसे गर्मी थी, जहां तापमान 49.4 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक है। इसके बाद जयपुर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार की तुलना में 0.8 डिग्री तक था। वहीं भारत विज्ञान विभाग मौसम विभाग के अनुसार जयपुर केंद्र के निदेशक आरएस शर्मा ने कहा कि राज्य में चढ़ते पारे से राहत नहीं मिलेगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 29 मई से तापमान कम होना शुरू हो जाएगा और जून के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा। सीवियर हीटवेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा, यानी कि अभी यदि देखेंगे तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होना आज से ही शुरू होगी। इसके अलावा 29-30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी कि फिलहाल जहाँ पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, 30-31 मई तक यहाँ तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। यानी कि जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर फिलहाल बना हुआ है, ये अगले 2-3 दिन बाद समाप्त होने की के लिए कंडीशन फेवरेबल है। इसके अलावा 31 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और राजस्थान के उत्तरी भागों में, खासकर शेखावटी क्षेत्र और आसपास के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, यहाँ पे दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म, तेज हवाएं और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश की ये गतिविधियाँ 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कुछ इलाकों में जारी रहेगी, यानी कि दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियाँ, खासकर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में 1 और 2 जून को भी डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगले 2-3 दिन बाद हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। जून के फर्स्ट वीक में थंडरस्टॉर्म और हल्के बारिश की गतिविधियां होंगी। इसके अलावा अगले 2-3 दिन स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स भी देखने को मिलेगी, यानी दिन भर तेज सतही हवाओं का प्रभाव रहेगा। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्ट्रॉन्ग विंड्स भी राज्य के कुछ भागों में दर्ज होंगी।